हेलो फ्रेंड, दिस इज अवर नेक्स्ट ट्यूटोरियल रिलेटेड टू सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर। आज का हमारा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर में क्विक सॉर्ट इन डेटा स्ट्रक्चर। तो क्विक सॉर्ट की अभी हम कंडीशन देखेंगे, यहाँ पर कैसे वर्क परफॉर्म करता है, फिर इसके बाद हम इसका एक प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल देखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट सॉर्टिंग टेक्निक होती है हमारी सॉर्टिंग में, जिसे हम थोड़ा इजी वे में पढ़ेंगे। ये बहुत टफ होती है क्विक सॉर्ट, उसे मैं इजी वे में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग अगर क्विक सॉर्ट की बात करते हैं, तो क्विक सॉर्ट में सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, की एलिमेंट को हम लोग लेट करते हैं। कोई भी एक की एलिमेंट को हम लोग लेट करेंगे, उसके बाद जो भी हमारी एलिमेंट होंगे उसमें मेनली क्विक सॉर्ट जो काम करती है वो करती है पार्टिशनिंग पर। पार्टिशनिंग का मतलब यह है कि हमें जो एरे एलिमेंट को है वो दो पार्ट में डिवाइड करना है। जो की वैल्यू होती है वो हमें मिड में लानी होती है। ये हमारा पार्टीशन, ये पार्टीशन फर्स्ट होता है और ये हमारा क्या है, पार्टीशन सेकेंड है। यहां पर जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी वैल्यू इस लेस देन की वैल्यू से, जितने भी एलिमेंट होंगे इधर वो की वैल्यू से लेस होंगे, और इधर जो वैल्यू होंगी वो की वैल्यू से क्या होंगी, हमारी ग्रेटर देन होंगे एलिमेंट। अगर हमारे पास ये एन एलिमेंट जो है इसमें एरे में है तो वो दो पार्ट में हमारा डिवाइड हो जाएगा। पार्टीशन फर्स्ट, पार्टीशन फर्स्ट में जो होंगी वो जितने भी एलिमेंट होंगे वो की से लेस होंगे और पार्टीशन सेकंड में की वैल्यू से ग्रेटर होंगे। सेम ऑपरेशन फिर हम फर्स्ट पार्टीशन में लगाएंगे, इसको भी सेम क्विक सॉर्ट के थ्रू सॉल्व करेंगे, सेम इसे भी हम लोग परफॉर्म करेंगे और लास्ट में हमारा जो आउटपुट है वो जनरेट होके आ जाएगा सॉर्ट होके। तो इसे प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के पास हमारे पास ये एरे एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है इसमें, जिसकी जो ये एक एरे एलिमेंट है जिसमें मैक्सिमम जो साइज है हमारा, साइज की बात करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका जो साइज है, मैक्स साइज जो है वो कितना है हमारा, 10 एलिमेंट जो है वो 10 एलिमेंट है इसमें, तो इसका साइज जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें की एलिमेंट लेना है, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट को ही हम क्या ले लेते हैं, यहां पर की वैल्यू ले लेते हैं। तो की वैल्यू हमने ये ले ली, इसमें जो पहला एलिमेंट होगा उसको हमने आई एज अ आई नोट डाउन करना है, और जो इसकी जस्ट बाद वाली वैल्यू होगी उसको जे बनाना है, एज अ जे क्रिएट करना है। अब हम लोग आई वाले को तो अभी कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस की वैल्यू को कंपेयर करते हैं जे के साथ। अगर की वैल्यू ग्रेटर देन आती है इंडेक्स ऑफ जे, ए के जो जे इंडेक्स पे जो वैल्यू है उससे अगर की वैल्यू ग्रेटर आती है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, आई को एक इंक्रीमेंट कर देंगे, आई इक्वल टू जाएगा आई प्लस प्लस। हम यहां पर थोड़ा एल्गो भी देख रहे हैं, साथ साथ ऑपरेशन भी देख रहे हैं उसके। आई को सबसे पहले इंक्रीमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए आई एंड ए जे को स्वैप कर देंगे, दोनों वैल्यू को आपस में स्वैपिंग कर देंगे, और तीसरी कंडीशन हम जे को क्या कर देंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे जे प्लस प्लस। ये हमारी पहली कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो, अगर ये कंडीशन हमारी इफ की कंडीशन अगर ये ट्रू होगी तो ये स्टेप हमारे इसमें तीनों स्टेप चलेंगे। दूसरी कंडीशन है इफ, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, सॉरी यहीं पर लिख लेते हैं, अगर ये एल्स की कंडीशन जाता है, यानी ये कंडीशन अगर फॉल्स होती, फॉल्स का मतलब है अगर a ऑफ j ग्रेटर हो जाता है की वैल्यू से, तो उस कंडीशन में केवल हमें j को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है j प्लस प्लस करना है, और लास्ट में जब हमारे ये सबसे कंपेयर हो जाएगा तो i और j को हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है, वो हम बाद में देखेंगे इसमें। तो ये दो हमें मेन इसमें याद रखनी है दोनों कंडीशन। तो ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। अब देखते हैं इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहला अभी हम इंडेक्स की वैल्यू देखें तो की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी है, 42 है, और ए ऑफ जे की वैल्यू जो है वो कितनी है, 84 है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो की जो है वो ग्रेटर देन नहीं है ए ऑफ जे से, तो हमारी इफ की कंडीशन ट्रू तो हुई नहीं, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स, यानी कि हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। अगर हम इसकी बात करें तो 84 इज लेस देन 42, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो उस कंडीशन में केवल जे एक इंक्रीमेंट होगा, जे इक्वल टू हो जाएगा जे प्लस प्लस, यानी जे की वैल्यू अब एक इंक्रीमेंट हो जाएगी। अगर ये जीरो इंडेक्स है, वन है, जे की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, जे चला जाएगा सेकेंड इंडेक्स पे। तो अब अगर हम इसमें इंडेक्स वैल्यू लिखते हैं तो ये 42 है, ये 84 वैल्यू है, ये 75 है, 20, 60, 10,
90, 50, 05, 30 ये वैल्यू है। तो आई तो हमारा यहीं पर है और की वैल्यू भी हमारी यही है, जे की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होगी, जे पहुंच चुका है नेक्स्ट इंडेक्स पे। ये जीरो इंडेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब नेक्स्ट कंडीशन फिर से हम चेक करेंगे, की वैल्यू की कंडीशन, अब यही कंडीशन फिर से चल रही है हमारी, ए ऑफ जे इज लेस देन की वैल्यू। अब की वैल्यू की बात करें तो की हमारा 42 है, ए ऑफ जे की वैल्यू है 75। अभी भी कंडीशन जो हो गई वो क्या है हमारी, फॉल्स है। फॉल्स है तो फिर से जे में इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे इक्वल टू जाएगा जे प्लस प्लस, जे में इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे चला जाएगा अब नेक्स्ट इंडेक्स पे। तो इसका स्टेप बाय स्टेप आप यहां पर भी बना सकते हैं, तो मैं थोड़ा इसको यहीं पर डिफाइन कर देता हूं, जे की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर देते हैं, जे अब हमारा ये बन जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन फिर से चेक होगी हमारी, अब नेक्स्ट कंडीशन हम लोग चेक करते हैं फिर से यहां पर नेक्स्ट स्टेप में, की वैल्यू ग्रेटर देन ए ऑफ जे, इसकी वैल्यू देखते हैं। तो ए ऑफ जे की वैल्यू है 20 इज लेस देन 42, कंडीशन है यहां पर क्या हो गई, ट्रू हुई। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई, आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई हो जाएगा आई प्लस प्लस, यानी आई की वैल्यू अब ये ना रखे, ये हमारी आई बन जाएगी, आई की वैल्यू ये हो जाएगी। और आई की जो वैल्यू है ए ऑफ आई, ए एफ आई एंड सॉरी ए ऑफ आई एंड ए ऑफ जे जो है वो क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। स्वैप का मतलब है 20 चला जाएगा हमारा, 20 चला जाएगा आई की जगह पे और जो आई है वो यहां पर आ जाएगा। उसके बाद जो हमारी एरे बनेगा वो बन जाएगा हमारा 42, 20, 75, 84, 60, 10, 90, 50, 05 एंड 30। ये अब हमारा एरे बन जाएगा। अब इस कंडीशन में आई हमारा ये हो चुका है, की वैल्यू हमारी यही है, की यही है। उसके बाद नेक्स्ट जब ये स्वैप हो जाता है, उसके बाद जे की वैल्यू एक इंक्रीमेंट भी हो जाती है, जे प्लस प्लस हो जाता है, यानी जे इक्वल टू जाएगा जे प्लस वन, यानी जे 20 पे था, 20 पे था मतलब 84 हो गया है 20 की जगह पे, अब जे हमारा ये एलिमेंट जे हो जाएगा। सेम प्रोसेस अब आगे हम लोग और अप्लाई करेंगे इसमें। अब फिर से कंडीशन चेक करते हैं, की वैल्यू यही लॉजिक फिर से चलेगा, ए ऑफ जे इज लेस देन की वैल्यू, अब की वैल्यू वही है 42, अब ए ऑफ जे की वैल्यू हो गई है 60 इज लेस देन 42, कंडीशन क्या हो चुकी है यहां पर, फॉल्स हो चुकी है। फॉल्स की कंडीशन में जे एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे चला जाएगा अब यहां पर 10 की जगह पे जे चला जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन फिर से हम लोग चेक करेंगे इसमें, अब देखते हैं हम लोग, हमारी ये वैल्यू है, की वैल्यू है, जे की वैल्यू है 10 और ए ऑफ जे जो है हमारा वो 10 है और आई हमारा 20 है। तो फिर से कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, की वैल्यू इज ग्रेटर देन ऑफ ए ऑफ जे, अगर ए ऑफ जे की बात करें तो 10 है, 10 इज लेस देन की वैल्यू है 42, यहां पर कंडीशन जो हो रही है वो ट्रू हो रही। जैसी कंडीशन ट्रू होगी तो आई की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस प्लस, यानी आई एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई चला जाएगा अब हमारा कहां, 75 के पास आई ये हो जाएगा। जब आई एक इंक्रीमेंट हो जाएगा उसके बाद ए ऑफ आई एंड ए ऑफ जे आपस में क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे, यानी ए ऑफ आई एंड ए ऑफ जे, यानी ये वैल्यू यहां चले जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी यहां। तो उसके बाद जो हमारी कंडीशन बनेगी और उसके बाद जो हमारा एरे बनेगा वो बन जाएगा हमारा 42, 20, 10, 84, 60, 75 चला जाएगा 10 की जगह पे, 75 नेक्स्ट वैल्यू 90, 50, 05 एंड 30 ये हो जाएगी नेक्स्ट कंडीशन। और जैसी ये कंडीशन होगी तो की हमारी यही हुई, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है, आई पहुंच चुका है हमारा यहां पर, आई ये हो चुका है और अब जे की वैल्यू एक इंक्रीमेंट, जे इक्वल टू जाएगा जे प्लस वन, यानी जे की वैल्यू एक आगे चले जाएगी 90 के पास, तो जे पहुंच जाएगा यहां। फिर से हम लोग कंडीशन फिर से चेक करेंगे, सेम कंडीशन हम फिर से चेक करेंगे। ये लॉजिक जो मैंने ये बनाया हुआ है आपको ये बुक पे नहीं दिखेगा, ये मैंने अपना लॉजिक बनाया है, इसी के अकॉर्डिंग जो हो रहा है वो वर्क परफॉर्म कर रहा है। तो अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं हम लोग, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, ए ऑफ जे इज लेस देन की वैल्यू, फिर से देखते हैं की वैल्यू ग्रेटर तो नहीं है, ए ऑफ जे की वैल्यू है 90 इज लेस देन 42, कंडीशन यहां पर भी क्या हो गई,
फॉल्स होगी तो उस कंडीशन में केवल जे इंक्रीमेंट होगा, जे प्लस प्लस हो जाएगा, यानी जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, जे चला जाएगा हमारा 50 के पास। नेक्स्ट फिर से कंडीशन, फिर से हम लोग यही चीज चेक करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप बनाना इसको पेपर में, मैं थोड़ा सा इसी में ये सब कुछ करके दिखा रहा हूं। तो अब फिर से कंडीशन चेक करते हैं, ए ऑफ जे इज लेस देन की, ए ऑफ जे की वैल्यू है 50 इज लेस देन 42, कंडीशन फिर से क्या होगी यहां पर फॉल्स हुई, फॉल्स होने के बाद फिर से क्या होगा हमारा जे इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे चला जाएगा 5 के पास, जे ये हो चुका है। अब फिर से हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, ए ऑफ जे, ए ऑफ जे की वैल्यू है 05, 5 इज लेस देन 42, अब यहां पर कंडीशन ट्रू हुई, ट्रू हुई तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई यहां से हटके चला जाएगा 84 के पास, आई ये चला गया, उसके बाद हमारा सबसे पहले क्या होगा आई प्लस प्लस हो जाएगा, उसके बाद ए ऑफ आई एंड ए ऑफ जे जो हो जाएंगे वो स्वैप हो जाएंगे, स्वैप का मतलब है 84 चला जाएगा यहां और ये चला जाएगा यहां, तो कंडीशन हमारी इसके बाद जो एरे बन जाएगा वो बन जाएगा हमारा 42, 20, 10, 84 की जगह पे आ जाएगा 05, नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 60, 75, 90, 50, यानी 05 की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 84 एंड नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी 30। नेक्स्ट अब अगर देखें इसके बाद हमारा जो जे की वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, जे प्लस प्लस, जे यहां पर था 05 पे, वो एक इंक्रीमेंट होकर जे पहुंच जाएगा 30 के पास, और आई वैल्यू हो चुकी है हमारी यहां पर, और ये वैल्यू हमारी की। फिर से कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, ए ऑफ जे इज लेस देन की वैल्यू, ए ऑफ जे की वैल्यू है 30 इज लेस देन 42, फिर से कंडीशन ये ट्रू है तो इस कंडीशन में आई की वैल्यू फिर से एक इंक्रीमेंट होगी, आई यहां से इंक्रीमेंट होके चला जाएगा 60 के पास, उसके बाद हमारा क्या होगा स्वैप हो जाएंगे, आई सबसे पहले प्लस प्लस होगा, उसके बाद स्वैप हो जाएंगे ए ऑफ आई एंड ए ऑफ जे स्वैप हो जाएंगे, यानी 30 चला जाएगा इसके पास और वो चला जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो कंडीशन हमारी बन जाएगी इसके बाद ये हो जाएगी वैल्यू आपकी 42, 20, 10, 5, 60 की जगह पे आएगा हमारा 30, 70, 90, 50, 84 एंड ये 30 की जगह पे चला जाएगा 60, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद जे हमारा लास्ट तक पहुंच चुका, अब ये इंक्रीमेंट होगा नहीं, तो जे लास्ट हो चुका है, जे अब यही रहेगा और कंडीशन कोई आगे अब इंक्रीमेंट होनी नहीं है, आई की वैल्यू हमारी पहुंच चुकी थी यहां पर 30 की जगह पे, तो आई को हम फिर एक इंक्रीमेंट करेंगे, आई को क्या करेंगे हम लोग यहां पर, अब क्या करना है इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां पर से जो वैल्यू आई होगी जैसे हम लोग जे हमारा जो हो रहा है मैक्सिमम साइज पे पहुंच जाएगा, अब यहां पर लास्ट कंडीशन जो हमने लास्ट कंडीशन इसमें देखनी है, इफ जे इक्वल टू मैक्स साइज माइनस वन, मैक्सिमम साइज से एक कम तक अगर वो पहुंच जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा ए ऑफ आई एंड की वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे स्वैप कर देंगे, ए ऑफ आई एंड की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपस में स्वैप हो जाएंगी, तो 30 हमारा इधर आ जाएगा और 42 30 की जगह पे आ जाएगा, और इसके बाद जो हमारा एरे बनेगा वो बन जाएगा यहां पर 30, 20, 10, 5, 42, 75, 90, 50, 84 एंड 60, तो ये हमारा लास्ट में क्या बनेगी हमारी एरे बनेगा, जिसमें की वैल्यू जो हो गई वो आ गई है मिड पे, ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट पार्टीशन है जिसमें वैल्यू जो है वो क्या है लेस देन है की से, और ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है पार्टीशन सेकंड है, ये 2 है यहां से यहां तक, इसमें जो वैल्यू है वो क्या है ग्रेटर देन है की वैल्यू से, तो वही हमने शुरू में देखा था जो एरे इंडेक्स वैल्यू, एरे का अगर एलिमेंट हमारे पास एन है तो उस कंडीशन में की हमारा मिड पे आएगा, इधर वैल्यू पार्टीशन में जो होंगी वो की से लेस आएंगे और उस साइड जो वैल्यू आएंगे वो की से ग्रेटर आएंगी, उसके बाद सेम हम ऑपरेशन पार्टीशन वन में भी लगाएंगे, इसमें फिर से हमें 30 को
की ले सकते हैं आप, वही ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करने हैं, और लास्ट में ये क्या हो जाएगा हमारा सॉर्टेड होके, लास्ट में जो हमारी सॉर्टेड बनेगी एरे, वो लास्ट में हमें आंसर जो लिखना है वो लिखना है, सॉर्ट करके लिख देना है इसको, सॉर्टिंग करके लिखेंगे तो 5, 10, 20, 30, 42, 50, 60, 75, 84 and 90. तो ये हमारा क्या हो जाएगा सॉर्टेड एरे क्रिएट हो जाएगा क्विक सॉर्ट के थ्रू. तो ये थी क्विक सॉर्ट, इसे थोड़ा अच्छी तरह आप देख लें. थैंक यू फ्रेंड.